अनुज ने जीता अनुपमा का भरोसा, अब मान मिलकर दिलवाएंगे समर को इंसाफ और देंगे सजा सोनू हत्यारे को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज अनुपमा के मुंह से ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा, जब वो वनराज शाह से बात कर रही थी, उनको समझा रही थी, और आज अनुपमा ने बता दिया कि वो अनुज से अलग नहीं है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब वनराज की वो हरकत जो उसने अपने पागलपन में कर दी, जो उसने सुरेश राठौर के भड़काने पे कर दी, उस हरकत का उल्टा असर हुआ, केस कमजोर पड़ा, टीवी चैनल पे ये खबर आ गई। वनराज के रिएक्शन तो हमने देख लिए, अब आज की कड़ी में अनुपमा के रिएक्शन दिखाई दिए, और अनुज ने उसके बाद जो कहा वो वाकई में एक वाइज पर्सन ही कह सकता है कि हम उस जगह के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाते हैं और उससे पहले की घटना जो हुई है, जो इसने सुरेश राठौर ने डिलीट कर दी है, उसको निकालते हैं। अब वो भी एक न्यूज बन के आएगा और अनुज कुपाड़िया उसी न्यूज के साथ आएगा सामने रिपोर्टर्स के, तो केस होगा मजबूत। तो यहां पे ये चीजें तो होंगी जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगी, यानी कि इसके बाद होंगी, मगर तुरंत क्या हुआ? तुरंत जब अनुज ने ये बातें कही, अनुपमा को ये बातें अच्छी लगी, और धीरे धीरे अनुज जैसे जैसे अनुपमा से बात करते करते या उसको बात सुनाते सुनाते दूसरों से बात करते करते आगे बढ़ रहा है, तो एक एक पल में अनुपमा का भरोसा जीतता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं वीक पड़ गया था। जो अनुपमा ने कहा भी, अनुज ने खुद भी कहा कि तुमने भरोसा किया था कि समर मेरे साथ है तो सेफ है, तो वो भरोसा। तो अब दोस्तों जो हम देखते हैं कि वनराज शाह के सामने बैठी है अनुपमा और उसको समझा रही है तीन बातें, और उसमें वनराज शाह का विश्वास है और केस को लड़ना है वगैरह वगैरह, जो भी डायलॉग आपने सुना। मगर इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि अनुपमा ने साफ शब्दों में कहा कि केस को इंसाफ को मैं और अनुज देख लेंगे। ये डायलॉग हमने बड़े दिनों बाद सुना है दोस्तों। अभी तक अनुपमा ने अनुज को अपने साथ जोड़ा नहीं था, अनुज जुड़े हुए थे, ये अनुपमा को पता था, अनुपमा भी अंदर से कहीं ना कहीं यही चाहती है, मगर उसको कहने को थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो बात ला नहीं रही थी जुबान पे। बार बार जो वो कहती थी कि मुझे वही चीजें याद आती है, तो वो नहीं कर पा रही थी, मगर अब उसने कर दिखाया। अब उसने वनराज शाह के सामने कह दिया कि मैं और अनुज वो संभाल लेंगे केस वाला केस, मगर आपको खुद को संभालना है, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। तो ये डायलॉग सुन के दोस्तों अच्छा लगा, इसीलिए अब पूरा पूरा विश्वास है कि इन्हीं नवरात्रों में, इसके अंत में अनुपमा अनुज के साथ मिलके, अब तो देविका भी आ गई है, तो ये मिलके केस को इतना मजबूत करेंगे कि सुरेश राठौर को कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां से वो अपने बेटे को बचा पाए, और जो असली कातिल है उसको सजा जरूर मिलेगी, और वो है सोनू। तो ये तो मजा आ गया देख के दोस्तों, अब पॉजिटिविटी की तरफ ये धारावाहिक जा रहा है, इसीलिए इस धारावाहिक को देखते रहिए, क्योंकि अगर 10 सीन है तो 10 सीन में एक सीन तो ऐसा होता है जो हम सबको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो कैसा लगा आपको ये जान के, कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.